अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राहत अमीर एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं गया हुआ था जी मुल्तान डिनर के लिए। हम ढूंढ रहे थे जी रेस्टोरेंट, काफी देर घूमते रहे। कभी हम सोच रहे थे कि बुंदू खान चले जाएं, कभी हम सोच रहे थे कि मेहराब चले जाएं, कभी किधर का कभी अजवा का सोच रहे थे। फाइनली हमारा डिसाइड हुआ था जी रमादा। इससे जो प्रीवियस व्लॉग है ना, वो व्लॉग काफी लेंथी हो गया था। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि एक ही वीडियो में सब कुछ दिखा दिया जाए। उसको सेकंड पार्ट में शिफ्ट कर दिया मैंने। इस व्लॉग में सारा जो है कंटिन्यू करते हैं। फाइनली जी हमारी गाड़ी को एंट्रेंस मिल चुकी है। फाइनली तेरा तेरी गाल सुन ली गई है। ये है जी रमादा की एंट्रेंस, रमादा बाय वैन डैम मुल्तान। यार जिथे मर्जी ला दे सारा ही अपना ही है। पेंडू उठ के आ गए ने, लेकिन इन्हों आईफोन पता नहीं किन्ने फड़ा था। यार मुझे भी रखना पड़ेगा, मैंने व्लॉग बनाना यार। और थैंक यू सो मच। कोई अंदर तो चाइनीज भी बैठा हुआ। ये चिंग पोंग शिंग किधरों आया? ओह लुक एट द एम्बियंस। हाँ ये बताओ लव एट फर्स्ट साइट है कि नहीं है? यार मैं बैठा नहीं, तुम पहले ही बह गए, ये की चक्कर? अच्छा सामने जो है आईपीएल लगा हुआ है और गूंगी जो है कमेंट्री कर रही है। फैजी मुझे तो लग रहा है इधर हाई टी भी चल रहा है फुल, उधर भी लेवल की चीजें पड़ी हुई हैं और इधर भी डेजर्ट पड़ा हुआ है। हाँ फैजी हाई टी किया जाए या फिर मैनुअल अपना जो है ऑर्डर करवाया जाए? यार वैसे पता कर लो कि कितने रेट दे सकते हैं फिर कर लेंगे। चलो ठीक है। good, good, bro, good. यार हमें वो मेन्यू कार्ड क्यों नहीं देके जा रहे? ये है ही नहीं। हाँ पहले दफा अभी आ रहे हैं बड़ी जगह, किसी के दिया है नहीं। यार वैसे पता नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि आज ना हाइट ही चल रहा है पर हेड इधर सिस्टम, क्योंकि इधर भी चीजें लगी हुई हैं, उधर भी फुल हैवी सीन है। और देखते हैं इनको बुला के पूछते हैं। आज निकाह तो हो गया नहीं जाना, जे वो वा तो पर हेड भी आपा करके जाना फिर आज। अल्लाह खैर करे, मुश्किल ही करे। हां आज बुक ही कर जाए। हां लेकिन अपनी पहली शायद ही बस होए नहीं कि नहीं होएगी? ओके ओके। फैजी फैजी बेटा। अच्छा फैजी वो चीज याद है कि हम वो ट्रक वाले अड्डे पे गए थे, शाही दाल हमने करवाई थी। फैजी फैजी ने कहा था कि मैंने थोड़ी सी खानी है और जनाब साहब 8 से 10 रोटियां ऐसे निबेड़ गया। उधर गए थे हम, वो नहीं है गाड़ी चौक के ऊपर मुझे भी ले गया था अपने देसी दाल होती। हाँ देसी दाल मंगा के अभी फैजी घर से खा के गया था और उधर जा खा के आया हूँ। पहले तो पहले पिज्जा खाया हमने आज, अभी दिखाएंगे तस्वीरें। हाँ चार एक बजे तक पिज्जा खाया। लेकिन मुझे फिर भी पता है कि तुम इधर हिसाब किताब जो है ना लेवल कर जाओगे, चाहे 5,000 का हो 4,000 का हो तुम लेवल कर जाओगे। शाहिद ने हिम्मत करके मेन्यू कार्ड जो है फाइनली मंगवा ही लिया है। अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई, क्या हाल चाल? सर कैसे हैं आप? फियाज भाई कैसे हैं आप? ठीक है सर, यू आर मोस्ट वेलकम टू रमादा बाय वैन डैम मुल्तान। टुडे शुरू करते हैं यहाँ से सूप से। आज सूप हमारा लगा हुआ सिचुआन सूप, ठीक है। उसके बाद अभी हम चाइनीज की डिशेज में ना, चाइनीज की डिशेज में चाइनीज राइस है, ये चिकन फ्राइड राइस कहते हैं फ्राइड राइस। और उसके बाद है चिकन हॉट पॉट ग्रेवी में चाइनीज की, और चिकन चिली स्वीट चिकन। उसके बाद ये कॉन्टीनेंटल की डिशेस में आ जाता है ग्रिल्ड बीफ विद मुज़रेला सॉस, सोटीड वेजिटेबल्स हैं सर, ग्रिल्ड चिकन विद टैंगी सॉस। उसके बाद बारबेक्यू में सर हमारी बारबेक्यू की डिशेस आ गई, कलवंजी कबाब है एक, और अंगारा टिक्का बोटी, और उसके बाद नान रोटी तंदूर की वैरायटी में नान रोटी, ठीक है। और पाकिस्तानी मेन्यू में हमारा मिक्स वेजिटेबल चिकन अचारी हांडी है, चिकन है, और मटन में मटन बादामी कुरमा लगा हुआ है सर। हाय हाय हाय। और मटन मसाला पुलाव, और ये डेली मतलब डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। आज मटन बादामी कुरमा लगा हुआ था, वो किसी दिन कोई और मटन जैसे मटन रोगन गोश्त हो गया तो चेंज होता रहता है। अच्छा बेस्ट कौन सा होता है इसमें? सर इसमें बेस्ट मतलब हर किसी की अपनी चॉइस होती है। अच्छा आप कोई ऐसी आइटम हमें रिकमेंड करें जो कि हमें लाजमी ट्राई करने चाहिए? सर लाजमी
यार हमारी ज्यादा लोग मटन के लिए आते हैं। अच्छा मटन के अलावा, मटन तो समझो के सबकी जो है वो फेवरेट डिश होती है, उधर सलाद में से या डेजर्ट में से। हाँ जी एप्पल कैबेज सैलेड होता है वो लोग वो पसंद करते हैं। कौन से वाला? ये रशियन सैलेड है। हाँ जी ज्यादा लोग ये लाइक करते हैं इसमें, और इसके बाद ये सैलेड भी काफी लोग लाइक करते हैं। इसमें एप्पल कैबेज सारा मिक्स होता है। ठीक, तो सैलेड की काफी सारी वैरायटी हैं, जैसे सीजर सैलेड है, जैसे वो आज बीफ इटालियन सैलेड लगा हुआ है। कम ही लगता, मतलब यहाँ के पीपल्स की हॉट चॉइस है ये रमादा का ना डिनर। अच्छा, तो आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएगा सर। इंशाल्लाह आप हुमस आ गया, मुतब्बल बाबा कुनूस, ये सारी चीज़ें इसमें हुमस प्लेटर में है। बारबेक्यू सैलेड है, सोसेज है, मिंट रायता, मिंट सॉस, जीरा रायता, और ये आलू बुखारे की चटनी। और सॉसेजेस में से कौन सी हमें ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी सॉसेजेस हैं जिनका हमारी डेली लाइफ में जो है ज्यादा यूजेज नहीं है। ऐसे नहीं है, मतलब ये स्पेशल होती है। अब ये जैसे पेरी पेरी सॉस, ये बहुत ज्यादा स्पाइसी होती है। अच्छा, और कोई कोई गेस्ट बहुत कम ही यूज करते हैं, मतलब हाँ। जिनको इनके बारे में नॉलेज होते हैं वो यूज करते हैं, और ज्यादातर लोगों को नहीं नॉलेज होता। हाँ। वैसे हम ये लीमू का अचार लगा हुआ है, इमली का अचार है, उसके बाद ये लहसुन का अचार है सर, और चिली गार्लिक वगैरह सारी सब्जी है। गेस्ट को जैसे नॉलेज होगा वो चीज़ आप, किसी को ज्यादा टेस्ट अपना मतलब स्पाइसी करने वाला खा लेते हैं तो उस ये इसलिए होता है टेस्ट चेंज करने के लिए। आपके पास स्वीट डिशेज में है, उसके अलावा जी सर आई प्लीज मैं आपको स्वीट डिश। आज की हमारी मेन जो डिश है ना स्वीट डिश में, तो शाही टुकड़ा है, और कमाल सर इसको खाएंगे तो पता चलेगा कोई चीज़ खाइए आप। इंशाल्लाह ट्राई करते हैं, आप ट्राई करें, आपको बहुत आदमी पसंद आएगा। क्रीम कैरामल है ये सर, लोगों की ना सबसे हॉट चॉइस थ्री मिल्क केक, थ्री मिल्क विद बटर स्कॉच केक, ये लोगों की हॉट चॉइस है, बहुत पसंद है, हमारा भी फेवरेट है। हाँ जी ये ट्राई करें आपको इंशाल्लाह। पीनट स्वीट, मतलब स्वीट्स की भी काफ़ी अच्छी वरायटी है, काफ़ी केक्स होते हैं यहाँ पे। इसमें से टॉप आइटम कौन सी है जो कि आप रिकमेंड करेंगे हमें, क्योंकि चीज़ें तो हम सारी खा सकते हैं, आप कोई रिकमेंड कर दें उसके अलावा ये जो पेस्ट्री है ना, इसको कमाल की चीज़ है ये भी। अच्छा बस है इसका नाम है, बस है। हाँ बस है इसका नाम है, ठीक है। और मीठी खीर भी, चावलों की खीर है शादी तो ये। I think it's better to eat this one. अभी ट्राई करो, अभी looking too much. करो ना। Yes. How was the taste, sir? Oh, it's good. इधर भी टेस्ट करवाओ जरा। It's really good. Oh. शक्ल से ना इसकी कोई भी जज नहीं कर सकता कि इसका टेस्ट जो है इस तरह का होगा। इसको भी जरा टेस्ट करवाओ। ओहो सर हॉट चॉइस में आता है ये काफी, मतलब यही चीज होती है ना, अगर कोई रेकमेंड कर देना तो थोड़ा आईडिया होता है कि बिल्कुल ऐसे चीज कैसे जा रही है, कौन सी जिस तरह मुझे कौन सा है। इसके अलावा जो ये वाली पेस्ट्री भी ठीक लग रही है, वो ऑब्वियसली हमारा फेवरेट है। बिल्कुल ये क्या चीज है? ये सर ये भी एक ना मूज है, बड़ा मूज। हां जी इसमें मतलब ब्रेड्स वगैरह केक मिक्स होते हैं, शेफ की रेसिपी है आपकी। ओके ट्राई कर लो फैजी, क्या चीज़ है? बाद में भी खाना तो कोई बात नहीं, अभी खाओ ना, बाद में खा के क्या करना है। जी जी कैसे सर? गुड, शुड आई ट्राई इट? यस बट इस तरह से हाथ ना मारो एथिकली। हाँ ठीक है ठीक है, आ जाए आप। अच्छा आपको मैंने एक और चीज़ तो बताना भूल ही गया, हमारी ना फिंगर फिश भी होती है, हमारी फिश हो गया, देखें अभी भी बन रही है। ये जो इनके पास लाइव फिश होती है जी, बिल्कुल लाइव, कैसे जब खड़े होते हैं उनके सामने बनाई जाती है, उनके सामने फ्राई करते हैं। और बाकी स्वीट के बाद ये तो बेवरेजेस में आ जाएगा ना। हाँ जी ये एक्सक्लूडेड है, ये बीच में दूसरे में इंक्लूड है, इंक्लूड है, इंक्लूड है, चाय कॉफी ग्रीन टी सब कुछ इंक्लूडेड है, सिर्फ बेवरेजेस वाटर और दूसरी। अच्छा वो दूसरी चीजें जो है वो नहीं इंक्लूडेड, ये एक्सक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है, ठीक हो गया जी। ये हमें ना लेना चाहिए, बाद में पीते हैं जरा। और इसका पर हेड क्या चल रहा है? इसका पर हेड सर 3120 पर पर्सन है, ऑल टैक्सेस मैथ। अच्छा बेवरेजेस जो है वो सेपरेट होगी। कल मैंने अहद किया था कि मैंने आज से डाइटिंग शुरू करनी। और नहीं हूँ तू कल तो करी, आज तो नहीं।
आज तो अपने कह रहे थे पेट देख रहे हैं। हां मैं देख रहा हूं पेट बहुत निकल रहा है, मैं डाइटिंग शुरू करनी थी आज। हां यार बूफे ही करते हैं यार, सारी चीजें थोड़ी थोड़ी टेस्ट करते हैं और रिव्यू भी अच्छा हो जाएगा, पैसे लग जाएंगे, कोई आवाम को भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सैलेड से नहीं मटन से स्टार्ट करते हैं क्यों शायद मटन से स्टार्ट करना चाहिए चिकन है। हुमस मैंने लाजमी खाना, वो होता क्या है, किस बला का नाम है। ओके जी, तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम जो है हाईटी करने वाले हैं, सो शुरुआत करें जी। यार ये प्लेट पकड़ो, आपने तैयार करनी है, मैंने वीडियो बनानी है, खा इकट्ठे लेंगे ठीक है। और पहले भाई ने जो है हमें सारी चीजें विजिट करवा दी हैं। सैलेड से यार ऐम ही पेट भर जाएगा। हाँ मेरी जान इधर आओ, एक आपको चीज दिखाऊं, इधर इसमें क्या है, ये कौन से हैं? चाइनीज राइस। अच्छा मतलब कि आप लेवल करना चाह रहे हो फैजी साहब, है टेस्ट करना ना आपने सारा। हाँ जी हाँ जी, सब कुछ टेस्ट करना है लेकिन लगड़ बगड़ा नहीं करना अच्छी प्लेट तैयार करनी है आपने। ये क्या है? चिकन हॉट पॉट। कुछ रेस्टोरेंट तो लाहौर में ऐसे भी चल रहे हैं, उधर हॉट पॉट के लिए आपको सामान दिया जाता है, आप खुद उधर तैयार करते हो, वो चाहे अच्छा बन जाए बुरा बन जाए वो आपके हाथ का टेस्ट होगा। शाहिद साहब आपने किस चीज से शुरुआत की है? ग्रिल्ड बीफ विद मोज़रेला सॉस, मोज़रेला चेडर सॉस नहीं इधर पड़ी हुई कहीं, आपने वो वाला डाल ली या वो स्किप करवा दिया? वो क्या था? वो क्या है? वो है लेमन चिली। लेमन चिली नो नो, वो तुझे पसंद नहीं। यार ये कम डालो, सॉल्टेड वेजिटेबल नहीं मैं नहीं। ये क्या है? चिकन विद टैंगी सॉस नो। ये तो खाएगा? ओ नहीं नहीं ये मैं खाऊंगा, ये वाली है ना? यस हां ये वाली डालो ना, एक पीस डालो बस। दूसरी दफा बनवा लेंगे, पैसे देने यार तीन जाने दे। ओ यार वीडियो ही बना दे, ओ खुद ही अगे बढ़ी जाओ यार, खान तू परे हो स्टार्ट हो जा। ये है जी अंगारी टिक्का बोटी, वाओ वेजिटेबल तो आप नहीं खाएंगे ऑब्वियसली। नो नो नो, और ये अचारी हांडी है, नहीं यार ये चिकन की है, इसको स्किप करवाओ, आ जाओ मेन कोर्स की तरफ। ये है मटन बदामी कोरमा, फैज साहब ये डालो, बल्कि ये ना अलग प्लेट में डाल लो, इसमें डाल डालो क्योंकि उसके अंदर शोरबा है। तो और क्या साथ डालूं आपको? वाओ क्या बात है, आपने तो एक बोटी डाली है, क्या बात है शाहिद साहब, इतने नहीं फड़े जा रहे तुसी। मटन मसाला पुलाओ, क्या बात है। अब उसने शाहिद ने ये इसके ऊपर रख दिया, मैं कैसे खोलूं से, रखो साइड पे। हाँ जी भाई इसमें यार फैजी नहीं प्लेट खराब हो जाएगी यार। नहीं नहीं ये देख ना, इतनी स्पेस पड़ी है ना, ये देख यार। अच्छा फिर ना ग्रेवी कम डालना। हाँ बोटी ज़्यादा डालना। हाँ सर ओके, आप तो लेवल कर गए हैं यार। ये किस जगह से फुसफुस की आवाज़ें आ रही हैं? अच्छा नीचे से गर्म गर्म माहौल है, ठंडा माहौल नहीं दिया जा रहा, गर्मा गर्म माहौल दिया जा रहा है। यार ये नान कौन से हैं? ब्लैक तिल वाले कलवंजी नान है और रोटी है, डाल लो मिक्स सारी चीज़ें ना। ये प्लेट फैजी ने तैयार करके मुझे दे दी है जी, इसको अब टेस्ट करते हैं। शाहिद साहब स्टार्ट करो, चीज़ें आपने ठंडी कर लेनी है। क्या किस चीज़ का वेट कर रहे हो? हमारा वेट कर रहे हो, सो स्टार्ट करते हैं जी मटन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आ गई जी एक बाइट, मज़ेदार। आपको टेंडरनेस अलग से चेक करवाता हूँ, ये देखें आए हाय, लुक एट दिस। शाही साहब इधर आके भी अगर रोटी ही खानी है तो मर्जी है, गोश्त जो है ना वो हाथ के साथ पकड़ के खाओ। जान दे। हाँ इसको जरा ना बराबर करते हैं। ये तो टेस्ट कर लिया जी, अब टेस्ट करते हैं ये। ये पता नहीं क्या था, नाम से आपने उधर देखा होगा, सो आपको याद, मुझे तो नहीं याद। फैजी साहब भी आ चुके हैं जी। वो ये क्या बड़ा हैं एस्थेटिक बन के आ रहे हो हैं? सैलेड भी चाहिए।
की खादा है ये खाइए, बड़ी मजे की है यार। बीफ इधर भी पड़ा हुआ है, अब ग्रिल्ड बीफ को ट्राई करता हूँ। ये जरा हैवी होगा, टेंडर फुली। शाही साहब वाकई मलाई की तरह मुंह में जा के खुल रहा है। ये है जी कबाब, इसको ट्राई करते हैं। फैजी साहब इतने आप वो बन के क्यों खा रहे हो फोक एंड नाइफ के साथ? घात में शनाख्ती कार्ड से रोटी लग दी। इधर मेरे हाथ का हाल देखो, क्योंकि दूसरे हाथ में मेरे फ़ोन है, मैं ये इस तरह की वो कर नहीं सकता है। मम्मी डैडी चीज़ें खैर क्या कर सकते हैं। ये वाली थी जी, अब नेक्स्ट इसको ट्राई करते हैं। ये यार ये सारा गोश्त ना बोनलेस होना चाहिए, इसके अंदर हड्डी आ गई है। खैर कोई बात नहीं, अब इसको ट्राई करते हैं। वही बात जो मैंने कही कि बारबेक्यू जो है वो बोनलेस होना चाहिए, फिर मज़ा आता है। हड्डियाँ आ गई मुँह में, खैर कोई बात नहीं। इसमें से ये भी टेस्ट कर लिया, ये भी टेस्ट कर लिया, ये भी, ये भी, ये भी। राइस रह गए हैं यार। ये कौन सा था? ये हॉटपॉट, हॉटपॉट था। हाँ इसको ज़रा राइस के साथ बना के खाता हूँ एक बाइट। यार वो हॉटपॉट वाला चिकन चेक करिए ज़रा कितना टेंडर्ड है। यार मैंने सारी चीज़ें जो है कैमरे के सामने खा ली हैं, अब जो है इस प्लेट को बराबर करने का टाइम है। जो है इधर लाइव तैयार हो रही है और हमारे लिए उन्होंने तैयार करवा दी थी। कौन सी फिश है ये? फिंगर फिश। फिंगर फिश है या जोन से भी फिश है, इसको ट्राई करते हैं। देख यार ये थी जी बोनलेस फिंगर फिश, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, तो मैं इसका टेस्ट जो है वो जज नहीं कर पाया, लेकिन अब जो है मुँह में टेस्ट आ रहा है, बहुत ही लेवल की थी। इसको दोबारा से मेयोनीज के साथ जो है ट्राई करता हूँ। जो है ना फूंक मार के इसको खाते हैं। हाँ जी भैया आपका रिव्यू क्या है अबाउट फिंगर फिश? मैं अगर तुम देते हैं मैं बीफ डाल दिया, मटन डाल दिया। ये देखिए जी मैंने प्लेट का सफाया कर दिया है, जैसे ये ग्रेवी थी क्योंकि मैंने नान या रोटी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। अच्छा किया ना, बाकी जो सारी चीज़ें थी वो मैंने खा ली हैं। ये बीफ था, ये मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, ये मैंने छोड़ दिया। बाकी अब उधर से सैलड वगैरह कोई ट्राई करते हैं, और बाकी जो है डेजर्ट वो तो एंड पे आएगा ना। सब ये ना बाद में खा लेना, मेरे साथ आओ ज़रा सैलड और सॉसेज। यार नहीं होता ठंडा, गर्म है वो, देखो धुएँ निकल रहे हैं उसके अंदर। आजा आजा फैजी साहब, एक ना प्लेट ले के आओ, उसके अंदर ना ये चाट। यार ये सॉसेजेस तो हमने टेस्ट नहीं की किसी चीज़ के साथ, किए इनके साथ टेस्ट जो है वो अलग ही बन जाएगा। यार मैंने ये चीज़ लेके जानी है, ये हुमस, ये जो है ना डिफरेंट आइटम्स, ये चीज़ें मैंने ट्राई करनी है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो बंदा फिर भी खाता रहता है, ये वाली चीज़ें जो है ये हमें कभी कभी नसीब होती है। ये ब्रेड वगैरह उठाओ, आ जाओ अब उधर वाली साइड। हाँ मैं ही खाऊँगा, मेरा ना इस तरह की चीज़ें खाने का ना दिल कर रहा है। ये एक रखो, ये रस है, ये क्या है? इसी तरह की कोई चीज़ होगी, अगर हम नाम गलत लें तो ये प्लीज़ हमें माफ़ कर देना ऑडियंस। ओ नहीं ये नहीं मैंने खाना, नो 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 नो, ये वाली वन स्पून। यार ये हुमस और पता नहीं क्या नाम होता है, उस भाई ने बताया था। ओ यार वो वाली वीडियो बनी थी या नहीं? मुझे लगता वो वाली बन गई थी, उसके बाद वाली जो है डिलीट हुई थी। हाँ एक चम्मच इसका, एक चम्मच इसका, एक खजूर रख दो और सोटियाँ गा दी ने आना, तेन कुट पैनी चाहिए फैदी। और ये क्या है? ये तो बहुत ठंडा हो चुका है, रहने दो रहने दो रहने दो। ये वाली है यार, ये तो फुल मैं कहना लुक हुई कि नहीं चेंज। और हाँ चार के ना थोड़े से ये ऐड करो, लेकिन साइड पे बस। ये वाली कौन सी है? ये वाली कैचअप है, ये वाली कोई अलग ही चीज़ लग रही है। और इधर ये वाली फैजी इधर आओ ज़रा, हाँ साइड पे कर लो चीज़ें, जगह बनाओ प्लेट में। और ये वाली मुझे ट्राई करवाओ, इधर आओ ज़रा, ये वाली डालो एक।
ये वाली डाल लो, एक एक ये वाली डालो, ज्यादा नहीं, अगर पसंद ना आई तो ऐसे ही जाया करेंगे। किस रखेगा यार वो चीजें लगा के मैं टेस्ट करूँ ना इन चीजों का, टेस्ट क्या है, क्या चीजें हैं ये इधर, ये वाली, ये तो मुझे पता, ये है क्या है, ऐवी फैसी बोंगी है ना। अगर नहीं पता तो बस डालते जाओ, ये चीजें डालनी है। ये नहीं डाली आपने चना चाट, ये डालो जरा, और इसके बाद फाइनल है। मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्लेट रेडी कर दी है। चलाओ चले, आप अपना मटन फोड़ो और मैं ये चीज़ें फोड़ता हूँ। और क्या ऐड करना चाह रहे हो? ओए ये तो मुझे नज़र ही नहीं आई थी, ये भी ज़रा लेवल करवाओ ना। ये एक स्पून नहीं, दो तीन डाल बस, नहीं 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 जितनी खाई जाए उतनी। ये ब्रेड मैंने ज़्यादा नहीं खानी थी, आपने दो तीन डाल दिए थे एक, चलो आप भी ट्राई कर लेना। ये आप अलग से, आप क्या खाओगे? ये देखो जरा लुक कैसी बनी है, ये मैं कुटन आ से ले आंदी है स्टिक। चलें जी ये प्लेट रेडी होके आ चुकी है। इस वेस्ट के साथ मैं डिफरेंट सॉसेजेस को ट्राई करता हूँ, पता नहीं ये इसके साथ ही लेते हैं या किसके साथ खाते हैं, मुझे ये आइडिया नहीं है। खैर मैंने तो मेन मकसद मेरा है कि सॉसेजेस को इनका टेस्ट जो है वो ट्राई करना। अभी ये दरमियान वाली, जरा ट्राई करो लेवल की सॉसेजेस टेस्ट कैसा है। अभी ये हुमस खुमस, इनके मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, ये वाली कौन सी, ये वाली कौन सी है, इसको जरा ट्राई करता हूँ। इस वाली के साथ और इस वाली के साथ मुझे बहुत अच्छी लगी है ये। और वैसे इसके साथ भी ट्राई करके देख दो, मे भी इसके साथ टेस्ट अलग है। बहुत गंदी होगी मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब शाहिद मेरी क्या गंदी होगी, मेरे व्यूज़ ही नहीं आते, 200 तो व्यूज़ होते हैं। नहीं नहीं देखना इस वीडियो पे आएंगे, मैं आ गया ना तो आएंगे। रमादा का नाम है यार। सारी सॉसेजेस ट्राई करने का वैसे एक फ़ायदा हो गया कि मुझे जो है ना पता चल गया कौन कौन सी अच्छी है। एक तो ये वाली, ये तो एक में निपटा दूंगा, और दूसरी है ये वाली है यार। जो चीज़ें मैंने ट्राई करनी थी वो कर ली है। वो यहाँ की चोकले हमें, ये रहा जी स्पून मेरा, ये चना चाट थोड़ी सी ट्राई कर लेता हूँ, और ये रशियन सैलड। मज़ेदार, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, इट वाज गुड। फैजी आपका पहले से काफ़ी बेहतर है, पहले से कर मतलब जहाँ पहले जितनी जगह पे भी गए हैं। बताओ फिर मेरा मशवरा, ये एक अलग अच्छा था। हाँ लेकिन नेक्स्ट टाइम बुद्धू सर का वेट करें ना, नेक्स्ट टाइम जाएंगे वहाँ। हाँ हाँ फिर जज करेंगे कि कौन हाँ कंपैरिजन फिर बने। हाँ जी शाहद ओवरऑल एक्सपीरियंस आज का, जिंदगी का ख्वाब से पूरा हो गया। जिंदगी का ख्वाब से जड़ा पूरा हो गया। अभी तो हमारा डेजर्ट बाकी है, 3 मिल्क केक। लेकिन थोड़ा सा ना रेस्ट कर लो, क्योंकि ऐसे ही वॉमिटिंग ना हो जाए। हाँ समझ रहे हो ना, पहले बोतल निपटा लो, बाकी देखते हैं फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद खाते हैं। कोई नहीं, हम कौन सा जा रहे हैं, ठीक है ना। इनसे ये कंफर्म करो इनका ऊपर रूफ टॉप है। इनका रूफ टॉप नहीं है, ये कोई काचू कूड़ा नहीं, आप आए रमादा में आए हो। लेकिन इनका वो स्विमिंग पूल किधर है यार? ओपन एरिया हो ना, मैं कहूँ कि ओपन एरिया हो, वहाँ ओपन में बैठने जा। अब जो है बिल का टाइम है, किधर है आपका कार्ड? वॉलेट वॉलेट मैं वॉलेट नहीं लेके आया, कटी जरा खांड। हाँ फैजी अब क्या करोगे, हमें पहले ही पता था जी फैजी जो है कोई ना कोई गेम करेगा और कहेगा कि ओ मैं तो वॉलेट भूल गया, लेकिन हमने इंतजाम किया हुआ था। हाँ जी कैसा फील हो रहा है फैजी साहब? ये आपका कार्ड गया, ये आपका कार्ड गया अंदर, और जरा पिन कोड लगाओ और 10,062 ओनली। कैसा फील हो रहा है भाई? कार्ड से पेमेंट जरा स्क्रैप, दूसरे कार्ड ना मिक्स करके करवाते, तुमने मेरे ऊपर सारी पट्टी डाल दी है। तो यार कोई नहीं मैं कैश दे दूंगा यार। नहीं यार पहले कभी आपके ऊपर बर्डन डाला है मुझे बताओ? कोई मसला नहीं है, कोई मसला। अगर इतना ज्यादा खर्चा एक बंदे का होगा ना तो वो एक दफा ही होगा, उसके बाद वो बात भी नहीं सुनेगा।
लिहाजा हमारा जो रूल है, मैं ही भर रहा हूँ, चल हमारा जो रूल है वो अच्छा है अमेरिकन सिस्टम। ये है जी हमारा पेड़ हो चुका और अभी हम थोड़ा सा बाहर भी विजिट करने जा रहे हैं, अभी हमने आना है दोबारा। उबैद भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा बहुत साथ दिया, हमें चीज़ें जो आपने बहुत ज़्यादा रिकमेंड करवाई और हम वो आकर दोबारा से टेस्ट करते हैं। जी जी सर आपको बिल्कुल पसंद आएगी। अभी हम ना बाहर की हवा ले आएँ, हम ना बाहर की हवा को बहुत ज़्यादा याद करें। आपको जो है ना इनके बाहर का माहौल भी चेक करवाते हैं, अंदर की हवा बहुत महंगी थी। ओए 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 10,000 की हवा पै गई। हाँ जी भाई साहब पहले से आराम है। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। हाजमोला मैंने पकड़ लिया जी। मैंने तो अपना इंतजाम कर लिया है, फैज जी आप अपना कर लो, मैं भी यही खा लूंगा साथ, एक आधी आपके साथ। पहले तो हम एंट्री करके अंदर गए थे, अंदर जाके हमने हाइटी किया और अब जो है इधर से सामने हम इनका आउटडोर देखने के लिए जा रहे हैं। क्या एम्बियंस है यार इधर का, ये ओपन प्लेस है इधर, और आगे जो है इनका स्विमिंग पूल भी है, उसको भी चल के देखते हैं। फैजी इनका स्विमिंग पूल वाला एरिया जो कि इस टाइम बिल्कुल खाली है। फैजी आप तो इधर नहाने आए थे। ये है जी इधर की लोकेशन, इधर डिफरेंट गेम्स भी पड़ी हुई हैं, टेबल टेनिस और फुटबॉल नहीं ये होती है, केड़ी होती है बावे वाली गेम। उधर जो है पिक्चर्स के लिए स्पॉट है। अच्छा वैसे बाहर भी बैठ सकते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा कि हाइटी आप कर सकते हो बाहर बैठ के। नहीं वैसे कर सकते हैं, आप इधर बाहर लेके आ जाओ अपनी फूड और खाओ आराम से, अगर आप बाहर बैठना चाहते हो तो, है ना। क्या लिखा हुआ है, नो डाइविंग। क्या रिजल्ट है जी आईफोन 15 प्रो मैक्स का, कि मेरी आंख नहीं देख पा रही बट इसका 5x जो है सब कुछ दिखा रहा है। स्विमिंग पूल की इनकी टाइमिंग है जी प्रॉपर, फीमेल्स की अलहदा से, चिल्ड्रन की अलहदा से और अडल्ट्स की अलहदा से। टिटो पार्टियां आप नहीं लगा सकते, और इधर भी कुछ है जी सामने, क्या है सामने, कैफे सेंट्स, ये अलग से है पता नहीं अंदर से है या अलग से है, जैसे भी है हमने कौन सा जाना है। हम जो हैं अभी बाहर रेस्ट मार रहे हैं क्योंकि हमारा अभी डेजर्ट बाकी है, अंदर जाके लेवल की चीज़ें खाएंगे, क्योंकि भाई ने जो जो हमें रिकमेंड किया है हमने थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया है, वाकई यार लेवल की चीज़ें थी। और हम आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर आप 2 से 3 लोग हैं और आप मटन तो लाजमी करते हैं, मटन कढ़ाई होगी, मटन हांडी होगी, तो मेरी तरफ से और मेरे दोस्तों की तरफ से, क्योंकि ये भी कह रहे हैं अब कैमरे के सामने भी ये कह देंगे, मस्ट ट्राई ये हाइटी है इनकी, आप ट्राई करो, मतलब कि रेंज जो है आपके पास जो है काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, आप डिफरेंट आइटम्स को जो है एक ही जगह पे ट्राई कर सकते हो। आप चाहे मटन खाना चाहो, बीफ खाना चाहो, चिकन खाना चाहो, डेजर्ट और साथ में सलाद, जो भी चीज़ आपको पसंद है वो आप एक ही डील के अंदर जो है सब कुछ खा सकते हैं। फैजी बताओ ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कैसा रहा आपका, वर्थ इट था ना, मतलब ये ना वो जिस तरह सोची हुई थी उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट जगह है। हम सोच रहे थे मतलब बहुत हाई क्लास ये वो फलाना, लेकिन ना ये ऐसे है कि आपके पास कॉन्फिडेंस हो, इट्स अ गुड प्लेस टू विजिट। और बाकी ओवरऑल अगर आप फूड की बात करें तो फूड इज़ अ गुड और जौन सा है, उसके अलावा जिस तरह भी इन्होंने प्ले एरियाज भी दिए हुए हैं, कॉफ़ीज अच्छी हैं इनकी, और जौन सा है मटन जिस तरह भी राहत ने भी आपको बताया इट्स वेरी गुड। उसके बाद जो मुझे जो इनकी बेहतरीन चीज़ लगी है वो जो इनकी फ्राइड आइटम्स जो हैं वो अच्छी लगी हैं, चाइनीज फ्राइड आइटम जो थी ना, चाइनीज राइस थे, उसके अलावा ये वो था क्या कहते हैं हॉट पॉट चिकन, दैट वाज अ गुड थिंग, और उसकी जो उनकी बोटी है वो अच्छी थी। बाकी शाहिद भाई आपको बताते हैं, नहीं शाहिद भाई आप कर दे कॉपी पेस्ट है। इतनी देर आप बोलोगे ना तो ऐसे ही मुँह ना थक जाए। हाँ कॉपी पेस्ट कर दो फैजी, कॉपी पेस्ट। तो अब फैजी का प्लान बनाया है जी ये बावे वाली गेम खेलने का, इसका अंडा किधर है फैजी, आप दे दो अंडा इसका। उधर जो है टेबल टेनिस खेल रहे हैं जी भाई, यार ये तो पिक्चर स्पॉट है, इधर बनानी चाहिए वैसे हैं, क्यों शाही साहब, पिक्चर स्पॉट है वैसे बनानी चाहिए बहुत अच्छी ऊपर से। चलो भाई फैजी साहब आपकी पिक्चर्स का टाइम हुआ चाहता है, बल्कि आप मेरी बनाओ यार, यार मेरे बाल बहुत खराब हो गए हैं, मैं क्या करूं, कि बाल उन्हें कि नवे बना देने मेरे। ऐजी और शाहिद की गेम लग चुकी है जी, खेले बगैर ही ना हार जाना फैजी, हल्के प्लेयर हो यार आप, नहीं खेलनी आती आपको मैंने देख लिया है, आपके अंदर वो पावर ही नहीं है, आ गया।
ग्रेट शॉट शाहिद साहब ना। ओए क्या बात है, कलाइयों का प्रयोग है। राहत हमीद भी जोन सा मैदान में उतर चुके हैं शाहिद के खिलाफ। पहली गेम मैंने विन कर ली है, अब दूसरी गेम जोन सा है राहत और शाहिद के दरमियान चल रही है। फिर जोन सा फाइनल राउंड आएगा वो मेरे साथ खेला जाएगा। राहत साहब फुल प्रो है इस गेम के अंदर। हाँ घुमाटे मार रहे हैं राहत साहब। हाँ गोल बाय राहत हमीद। दो डब्बे क्यों मार रहा है, एक मार। 11:30 हो चुके हैं और भाई ने बताया आके स्पेशली हमें कि 11:30 होने वाले हैं और बूफे का जो टाइम है वो ख़त्म होने वाला है। सो बहुत ही अच्छे भाई हैं, उनके साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। सो उन्होंने आके हमें कहा है। सो अब हम दोबारा अंदर जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो है वो टाइम खत्म होने वाला है, डेजर्ट बाकी था, अदरवाइज हमारा डेजर्ट जो है वो मिस हो जाना था। दोबारा से अंदर चलते हैं जी। पहले सारा भरा पड़ा था, अब जो है सारा खाली हो चुका है। अपना अपना खुद ही पाना यार, नहीं टाइम थोड़ा है। वैसे ये सारे अपने लिए हैं। थैंक यू ब्रदर। ये देख लो भाई ने, ओए ये क्या कर रहे हो? ये खाना है, जाया नहीं करना। परेशान ना हो लल्ला, ये मैं पूरा भी खा लूंगा। आए आए आए, बाकी हमारे लिए छोड़ रहे हो? थैंक यू, हमारे लिए ये छोड़ा, अदरवाइज हमें तो लग रहा है। ये कौन सा है? क्रीम कैरमल। फैजी इकट्ठे खाएंगे यार, मैंने नहीं तैयार करनी अलग से, दोबारा डाल लेंगे कोई बात नहीं। ओए शाहिद मेरे लिए छोड़ना यार। ओए मुझे ये वाली चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। हेलो, चॉकलेट चिप फ्रेंच पुडिंग। यू आर गोना ट्राई योर फेवरेट थिंग, थ्री मिल्क केक। लेट मी ट्राई इट। एक और मंगा लो, मुझे तो टेस्ट करने दो यार। ओए 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 शाहिद, बस ये फैजी बस लेवल। ये क्या था? शाही खीरा। शाही खीरा ये? और ये वाला कैरामल? ये पुडिंग। ये नहीं मजा ना, वो मजा वो कस्टर्ड टाइप है। लेवल की चीज़ है ये। अपनी कहने इतफाक में बरकत है। थ्री मिल्क केक का वाकई कोई जोड़ नहीं। ये सबसे बेहतरीन जो भी चॉइस है ये हमारी थ्री मिल केक। वैसे भी और मेरा फेवरेट है, मैंने फर्स्ट टाइम आंगन पे खाया था। अच्छा यार इतना टाइम नहीं है मुझे, खाने दो। ये केक और यार ये ज़रा हेल्प करना। ये आया आया यार, आपने तो डाइट करनी थी कल से। कल से थ्री मिल केक जो है ना उधर ख़त्म हो गया था, तो हमने रिफिल करवा लिया है। पूरा केक नवा मंगा लिया, हो रहा है साढ़े वास्ते। ये आ गया जी। हाँ जी गया भाई, और ले आओ पहले लेते आओ। मैं कहता हूँ लेवल और चावल मंगवा, हाफ मंगवा दें हम आप और खा लेंगे। यार सच्ची और चीज़ खाने का दिल ही नहीं कर रहा डेजर्ट में। यार मेरा ख्याल है कि और भी चीज़ें अच्छी होंगी, जैसे वो ट्राई की थी वो भी अच्छी थी, लेकिन वो हम ज़्यादा नहीं खा सकते। ये एक अलग चीज़ है, ये आप जितना मर्जी खाओ कोई इशू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कौन बोल रहा है, किस तरफ जो है कैमरा फ्लिप करना है। ओए ओए यार वो इतना ज़्यादा देख गए थे फैजी, आपने एक ही बाइट में क्या किया है। इट्स टेस्टी, इट्स यमी टेस्टी एवरीथिंग यू कैन से। मेरा दिल चाह रहा है कि चॉकलेट चिप फ्रेंच पुडिंग खाएं, बस वन स्पून। नहीं कोई मेन चीज़ तो लेना नीचे से। हाँ ये चीज़ ट्राई करता हूँ। ये भी मज़ेदार है। शाहिद की बस हो चुकी है जी। यार ये जो केक के ऊपर नहीं लगी होती क्रीम मज़े की, ये वो चीज़ है हमारे लिए। उन्होंने थ्री मिल्क केक जो है फ्रेश मंगवा दिया। वैसे हमारी नज़रें नहीं भर रही थी, पेट तो हमारा भर चुका है। ये भी ट्राई कर लेता हूँ। व्हाट इज दिस ब्रो? अच्छी है, चॉकलेट ब्राउनी है। सैजी आपके कहने पे एक स्पून मैं इधर से, और अब में डिफरेंस दे आप खाओ, मैं भी एक स्पून लूँगा जस्ट। भाई एक स्पून ले, थ्री मिल की। अच्छा ओए होए होए, डम्मे डम्मे। कॉफ़ी में क्या ऑर्डर दिया है जी? कैपेचिनो दो ही हैं भाई, जो उनसे कॉफ़ी लवर नहीं है, चाय लवर है, तो इनके लिए हमने की है कार्डियम टी। यार क्यों नहीं कॉफ़ी पीते आप?
पी के बस हो गई है यार। मैं फैजी कहता हूँ कि हम ना कॉफ़ी जो है ना उधर लॉबी में चल के पीते हैं उधर, और हमारी जो पिक्चर्स हैं वो इंडोर रहती हैं, वो पिक्चर्स भी बनवा लेंगे। मेरी तो आउटडोर भी नहीं बनाई अपनी, बनवा के अंदर आ गए। इन्होंने सामान अपना समेटना शुरू कर दिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओह माशाल्लाह, फैजी कह रहा था मेरा पेट फुल हो चुका है और मैं नहीं खाऊंगा। माशाल्लाह दो स्लाइस आए थे और फैजी और हम सब ने मिलकर निपटा दिया। और देख लें, हमने ना मेन कोर्स में कोई एक्स्ट्रा चीज़ डाल के जाया की और ना ही अब ये थोड़ी सी है, इतना की तो चलता है यार। चलाओ यार कॉफ़ी उधर चल के पीते हैं और पिक्चर्स भी बनवाते हैं, ये ना हो गए लाइट्स बंद कर दें। सो गाइस, हमने पिक्चर्स वगैरह बना ली हैं और ये हमारी कैपोचिनो जो है कॉफ़ी रह गई थी तो हमने ये भी मंगवा ली है। मैं और फैजी जो है कॉफ़ी पी रहे हैं और शाहिद ने पी है जी चाय। आज का दिन जो है हमारा बहुत अच्छा गुजरा जी, और हमारा जो इधर का डिनर है वो बहुत अच्छा रहा, और उबैद भाई ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उबैद भाई सर, यू आर मोस्ट थैंक्स फॉर कमिंग हियर एंड आई होप यू विल कम सून इन हियर। अब गुड बाय का टाइम हुआ चाहता है जी। उबैद, हाँ उबैद भाई भी जा रहे हैं और हम भी इधर खा खा के इधर तक तुम भी जाओ। इधर ही करते हैं वीडियो को एंड, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, प्लस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके बाय, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, बाय बाय कर दो। ओके बाय।